एसईओ सम्मेलन का हिस्सा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार खुलकर अफगानिस्तान मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं। एक तरफ उन्होंने वहां की वर्तमान स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की ही है, इसके साथ ही उन्होंने तालिबान पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी सरकार समावेशी नहीं है, बिना किसी समझौते या फिर करार के इस सरकार को बनाया गया है। वहां पर महिलाओं की सुरक्षा भी चिंता का विषय है। ऐसे में अब पूरी दुनिया को अफगानिस्तान में बनी इस नई सरकार पर सोच समझकर कोई नया फैसला लेना पड़ेगा। इस मामले में भारत यूएन का समर्थन करता है। पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि अफगानिस्तान में हथियारों के दम पर सरकार बनाई गई। ऐसे में अगर जल्द ही अफगानिस्तान में शांति बहाल नहीं की गई, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसी वजह से एसईओ सम्मेलन में मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान को अब आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वहां पर शांति बहाल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अपने भाषण के दौरान आतंकवाद पर भी विस्तार से पीएम मोदी ने बात की। इस सम्मेलन में पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी हिस्सा लिया। वहां पर पीएम मोदी ने तो टूक शब्दों में कहा, अब दुनिया को ऐसी नीति बनाने की जरूरत है जहां पर आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हो। वहीं क्योंकि अभी अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ कई अमेरिकी हथियार लग गए हैं, ऐसे में बिना अमेरिका का नाम लिए पीएम मोदी ने कहा, तालिबान के पास कई अत्याधुनिक हथियार आ गए हैं, इससे अफगानिस्तान में अस्थिरता फैल सकती है। वहीं उन्हें इस बात की भी चिंता है कि तालिबानी सरकार के आने से ड्रग रैकेट और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बड़े स्तर पर की जाएगी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के 16वें सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस बार एससीओ की अगुवाई ताजिकिस्तान कर रहा है। ये सम्मेलन 16 से 17 सितंबर के बीच ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया जा रहा है। एससीओ में कुल 8 देश शामिल है। इस लिस्ट में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन शामिल है। इससे पहले भी एससीओ देश की विदेश मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अब जब खुद पीएम मोदी इसका हिस्सा बने हैं तो इसके मायने भी काफी बढ़ जाते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान ताजिकिस्तान को उनकी आजादी के 30वें साल होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और कतर का एसईओ ग्रुप में शामिल होने का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि नए सदस्यों से हमारा ग्रुप और भी मजबूत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।